So, बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द बेस जो कि इन्वेस्टमेंट होता है इसको अपन आज समझने वाले हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। वेल बच्चों, सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर अपन ये देखेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितने तरीके का होता है, ठीक है। बस छोटा सा वीडियो अपन इसको रखेंगे, ज्यादा इसको लेंदी नहीं बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में इन्वेस्टमेंट और इसके प्रकार जो है इसको अपन समझ लेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये अपन ये जो टर्म है वो अपन अक्सर सुनते हैं, ठीक है। कोई भी अपना जब बिजनेस सेटअप करता है तो वो कैसे स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसमें वो उसका इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है अपने बिजनेस में, उसको प्रॉफिट अचीव हो रहा है साल दो साल, हर साल उसको अचीव हो रहा है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता है। तो आखिरकार ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। देखो क्या होता है कि जब भी प्रोड्यूसर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ स्टॉक उसके पास में होता है, ठीक है। कुछ स्टॉक वो लगाता है, फिर जैसे जैसे उसको लगता है कि हाँ मेरा बिजनेस अच्छा वर्क कर रहा है, तो फिर वो क्या करता है, अपने स्टॉक में चेंज करता है। चेंज करने का मतलब क्या है, अपने स्टॉक के अंदर वो कुछ और स्टॉक एड ऑन करता है, और इसी को ही अपन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक एज इन कि जो स्टॉक है उसमें थोड़ा सा और स्टॉक को एड ऑन करना ही आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है, करेक्ट। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपल भाषा में आपको यही बताना है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो स्टॉक होता है उसमें जब इंक्रीज होता है या इंक्रीमेंट होता है तो उसको अपन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इसको अपन शो कैसे करते हैं, देखो आई स्टैंड्स फॉर कैपिटल, मतलब आई जो है आपका वो आपका इन्वेस्टमेंट शो करता है, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड दिस ये जो ट्राइंगल ही आपका चेंज होता है, ठीक है। सो चेंज इन कैपिटल, ओके। सो कैपिटल में जब भी चेंज होता है उसको अपन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सपोज करो कि एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसने कितने रुपए लगाए, सपोज करो 2 लाख रुपए उसने लगाए थे, ठीक है। फिर 2 लाख में उसने 4 मशीन खरीद ली और 5 लेबर उसने हायर कर ली, ठीक है। उसको अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी हो रही है मार्केट में, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उसको लगेगा कि यार मैं मेरे पास में जैसे मैंने जो मशीन लगाई उसको मैं डबल कर देता हूँ, या फिर मैं अपनी मशीन नंबर ऑफ मशीन्स को मैं बढ़ा देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो अपनी नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो खर्चा कर रहा है ना मशीनों पर, मशीन बढ़ाने में वो मशीन खरीदेगा, मशीन इंस्टॉल करेगा, तो यानी कि खर्चा कर रहा है, तो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। वो अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर चेंज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है। सो आई होप कि अब आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो कैपिटल आई है दिस इज इन्वेस्टमेंट, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल स्टॉक, एंड दिस ट्राइंगल के यानी कि चेंज के, सो चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। Alright, so change in the stock of capital is called capital formation. अब देखो investment के ना एक और नाम होता है, investment का एक और नाम क्या होता है बच्चों, capital formation, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे capital को formate कर रहे हैं। formate करने का मतलब क्या होता है, बनाना। तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक में, स्टॉक के अंदर हम इंक्रीज कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम कैपिटल ही तो बना रहे हैं, है ना। कैपिटल के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, कैपिटल हम बना रहे हैं, तो इसी वजह से इसको अपन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर काफी बार आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आप सोचोगे कि यार ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं था। अगर इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो तुम लोग फटाफट से इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिख दोगे, लेकिन अगर वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाए तो हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कनेक्ट करके देखो, इन्वेस्टमेंट से हमारा कैपिटल बढ़ रहा है यानी कि फॉर्मेट हो रहा है, इसी से ही इसको कनेक्ट कर लो कि कैपिटल फॉर्मेशन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के, मैंने आपको बोला था ना कि इन्वेस्टमेंट और उसके दो जो कंपोनेंट्स हैं, जो दो टाइप्स हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। सो उसके ना इन्वेस्टमेंट के जो दो टाइप्स हैं उसके अंदर सबसे पहला आता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा आ जाता है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक एक करके दोनों में आपको समझा देती हूँ, फिर अपन डेफिनेशन पे आ जाएंगे। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, जब भी प्रोड्यूसर जो होता है वो फिक्स्ड एसेट पे खर्चा करता है, फिक्स्ड किस पे, फिक्स्ड एसेट पे जब वो खर्चा करता है तो उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स्ड एसेट यानी कि कोई मशीन हो गई सपोज, है ना, कोई मशीनरी हो गई, है ना, या फिर कोई प्लांट हो गया, प्लांट एज इन मशीन एंड प्लांट पूरा सेटअप। तो जब ऐसी चीजों पे प्रोड्यूसर खर्चा करता है, फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड कैपिटल पे जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है तो उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी को पहले अपन समझ लेते हैं, फिर इन्वेंटरी पे आएंगे। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो उसमें खर्चा करने का मतलब ही क्या है कि आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन
अकाउंटिंग ईयर, अब आपको ना सब जगह ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, दैट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर, अब आप तो 5 साल का पूरा डेटा उठा करके किसी भी फर्म का बोल दोगे कि इसका इन्वेस्टमेंट ये है, नहीं, अपन हमेशा जब कैलकुलेट करते हैं ना तो एक साल का जो अपन का सेल होती है, प्रॉफिट होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर साल सेम तो रहने नहीं वाला, हर साल कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते ही हैं, तो अपन एक अकाउंटिंग ईयर का जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी जिस भी फैक्टर की अपन बात करते हैं उसको अपन कंसिडर यहाँ पे करेंगे, ठीक है. सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. देखो कैपिटल फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है, अब क्योंकि यहाँ पे अपन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. सो फिक्स्ड एसेट के अंदर जब हम चेंजेस लाते हैं, फिक्स्ड एसेट को जब हम बढ़ाते हैं एक बिजनेस के अंदर, किसी मशीन, एक मशीन थी तो उसको 2 कर दी 3 कर दी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो, तो ये एक तरीके का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है. ऑलराइट, चलिए फिर अपन यहाँ पे आपका जो दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ. देखो इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको जरा समझिएगा. हर जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, हर प्रोड्यूसर या हर कंपनी अपना ना इन्वेंटरी सेट करके रखती है. ओके, इन्वेंटरी होती क्या है ये मैं आपको बता दूं पहले. देखो इन्वेंटरी मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं एक मतलब एक फर्म है, वो क्या बनाती है, वो वुडन, ये देख लीजिए ये वुडन टेबल, चेयर्स, ये सारी चीजें बनाती है, स्टूल्स एंड ऑल, ओके, बेड्स वगैरह. तो अपन यहाँ पे वुडन इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है. सो एक क्या है, एक है यहाँ पे आपकी वुडन इंडस्ट्री. अब इस वुडन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सा स्टॉक पड़ा होगा बच्चों. बहुत सा स्टॉक होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें पड़ी होंगी जो कि पूरी की पूरी बनी हुई होंगी, 4-5 ऐसी चेयर्स होंगी जो कि पूरी तरीके से बनी हुई होंगी, ठीक है, बस उनको मार्केट में सेल आउट करने वाली वो सिचुएशन है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे फुल फ्लेज वो एकदम तैयार है मार्केट में जाने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको मैं आपको बताती हूँ अच्छे तरीके से. ओके, वुडन इंडस्ट्री. एक ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर कुछ ऐसी चेयर्स रखी हुई हैं जो कि पूरी तरीके से बनी है और मार्केट में सेल आउट करने के लिए रेडी है. एक आध ऐसी टेबल रखी हुई है, ठीक है, जो कि मार्केट में सेल आउट करने के लिए तैयार है. एक आध ऐसे स्टूल रखे हुए हैं जो कि मार्केट में सेल आउट करने के लिए पूरे तैयार हैं. यानी कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे हैं बच्चों, ये हैं आपके फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स हैं ये. ओके, कुछ ऐसी चीजें रखी हुई होंगी यहाँ पे जो कि एज अ रॉ मटेरियल होंगी, ठीक है, रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी के ऐसे टुकड़े पड़े, मतलब ऐसे जो लॉग्स जिन्हें अपन कहते हैं लकड़ी के, वो होंगे, ठीक है. तो ऐसे ये लॉग्स रखे हुए हैं, फिर यहाँ पे कुछ और भी चीजें होंगी, सपोज मेटल वेटल रखा हुआ होगा, तो ये सब यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल रखा हुआ है. फिर यहाँ पे कुछ ऐसी भी चेयर टेबल्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये आ रही है, दिस इज आ रही. ओके, यहाँ पे मैं ऐसे टेबल बना देती हूँ, तो इस टेबल के अभी एक पैर बनना बाकी है, ठीक है, तो इसको आप समझ जाइएगा. तो दिस इज सेमी फिनिश्ड गुड्स. ओके, सो हर इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री होती है, जब वो अगर वो इंडस्ट्री सर्विसेज दे रही है तब तो उसे इन्वेंट्री से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री गुड प्रोड्यूस कर रही है तो उसको अपने मतलब बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अब चाहे वो फिनिश्ड गुड के रूप में रख ले, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में रख ले, या फिर वो सेमी फिनिश्ड गुड्स के रूप में रख ले, ठीक है. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी भला, तो वो इसलिए करती है कोई भी कंपनी ऐसा कि भाई वो ना मार्केट को एनालाइज करती है. मार्केट को एनालाइज करने का मतलब क्या है कि ये जो वुडन इंडस्ट्री है ये एनालाइज कर रही है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में. अगर उसकी डिमांड नहीं है और वो अपनी सेल करे जा रहा है तो क्या उसको कोई प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट, बिल्कुल भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा. तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको वो पूरी तरीके से बना के रखता है और वो वेट करता है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड हो. जैसे ही उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होती है तो इसको वो सेल आउट कर देता है,
ठीक है, कुछ वो ऐसा ना रॉ मटेरियल जैसा भी रखता है अपने पास में कि वो, और वो वेट करता है, मार्केट पढ़ता है, मार्केट को पढ़ता है, एनालाइज करता है, देखता है कि भाई उसका प्रोडक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हर जो जो भी कंपनी होती है जो कि गुड्स सेल आउट करती है, वो इन्वेंट्री अपने मतलब अपनी कंपनी के अंदर मेंटेन करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं इसको अपन। ये भी एक तरीके से स्टॉक में, क्यों है स्टॉक में, क्योंकि ये अभी तक मार्केट में पहुंचा नहीं है। रॉ मटेरियल जो है वो भी एक तरीके से स्टॉक ही हो गया, और सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है वो भी एक तरीके से स्टॉक ही हो गए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हर प्रोड्यूसर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट पे भी एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, यानी कि हर प्रोड्यूसर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट भी मेंटेन करके रखता है। ओके, सो आई होप कि अब आपको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड दी स्टॉक ऑफ, एक समय में प्रोड्यूसर क्या करता है, कुछ स्टॉक को होल्ड करके रखता है। ठीक है, सो होल्ड दी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, किस किस का स्टॉक होल्ड करके रखता है, फिनिश गुड्स का, फिर सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है, ये लास्ट वाला सेमी फिनिश गुड्स जो कि अभी पूरी तरीके से बने नहीं है, उनमें काम अभी चालू है। गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सेमी फिनिश गुड्स कौन से होते हैं जो कि अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। ठीक है, और फिर रॉ मटेरियल्स, बीच में अपन ने क्या देखा था, रॉ मटेरियल्स। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेंटरी स्टॉक, इसी को ही अपन इन्वेंटरी स्टॉक के नाम से जानते हैं। सो चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो था ये क्या था, ये आपका स्टॉक है, इसके अंदर जो चेंज होगा वही आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होगा। कैसे, देखो, सो जैसे 2019 में जो इन्वेंटरी स्टॉक था इस वुडन इंडस्ट्री के पास में वो कितने का था, वो था ₹100 का। ठीक है, जैसे ही 2020 आया, सो 2020 के स्टार्ट में, ये है 2019 का एंड, ओके, सो 2020 के स्टार्ट में इसने इन्वेंटरी, जो इन्वेंटरी स्टॉक पे जो खर्चा किया, इन्वेंटरी जो भी इसने शुरू में, साल के शुरू में जो लगाई है, वो लगाई है रुपीज सपोज 60 की। तो यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट हुआ रुपीज 40 का। ओके, वापस से इसको पढ़ना। सो चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक, ये इन्वेंटरी स्टॉक में चेंज है, ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, यही आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है ऑफ द प्रोड्यूसर। क्लियर, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फिक्स्ड एसेट पे प्रोड्यूसर करता है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट तीन तरीके से आप देखते हो इसको, कैसा, फिनिश्ड, रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, और हर प्रोड्यूसर इसको मेंटेन करके रखता है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, और जो आपके किसी भी साल के एंड में जो भी आपका स्टॉक बचा है, और किसी भी साल की शुरुआत में, मतलब उसके नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में जो आपने स्टॉक इकट्ठा किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए अब यहाँ पे ना अपन कुछ और इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में अपन आएंगे ग्रॉस पे और नेट पे। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, सपोज करो कि आज यानी कि 2022 के अंदर मैंने एक मोबाइल लिया। ठीक है, मोबाइल खरीदा, एक बहुत ही बढ़िया सा वन प्लस का मैंने एक फोन खरीदा है। सपोज यही है मेरा फोन, ठीक है, ये मैंने मोबाइल खरीदा है वन प्लस का, और इसकी जो वैल्यू है, मतलब सपोज 50,000 का मेरा ये फोन है। ठीक है, अब मैंने इसको एक साल चलाया, दो साल चलाया, तीन चार साल इसको मैंने चला लिया। ठीक है, चार साल बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार वन प्लस के तो कितने सारे मॉडल्स आ गए यार, तो अभी मैं पुराना क्यों चलाऊं, आई शुड बाय अ न्यू वन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं फिर सोचूंगी अगर इसका क्या करूंगी, तो ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब ठीक है पुराना हो गया लेकिन काम तो सही सलामत ही कर रहा है। हाँ, चार बार गिरा है, चार बार इसकी स्क्रीन टूटी है, और कम से कम 200 बार इसका टेम्पर ग्लास मैंने चेंज करा, बस इतना ही तो हुआ है, और तो इसमें क्या हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा सोचूंगी, तो मैं सोचूंगी पर यार मेरे को तो अब थोड़ा सा ना ट्रेंड के साथ में चलना है, रील्स वगैरह इसमें अच्छी नहीं चलती है, मुझे नया फोन खरीदना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी यार चलो इसको ना मैं सेल आउट कर देती हूँ। तो मैंने इसको खरीदा था सपोज 50,000 के अंदर। ठीक है, मैंने इसको किस रेंज में खरीदा था, 50,000 के अंदर मैंने इसको परचेज किया था। अब जब चार साल बाद में मैं इसको बेचूंगी तो क्या ये 50,000 में बिकेगा, बताओ आप, क्या ये 50,000 में सेल आउट होगा, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये कितने में चला जाएगा, सपोज 10,000 में। 10,000 में मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी भाई बंद ने इसको खरीद लिया कि चल ठीक है यार तू मार्केट में कहाँ सर लड़ाएगी, तू मेरे को ही दे दे, लेकिन मैं तेरे को इस फोन की कीमत तो सिर्फ 10,000 दूंगा, इससे ज्यादा मैं तेरे को नहीं दे सकता। तो मैं कह चल ठीक है यार तू 10,000 तो दे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में क्या हुआ है बच्चों, इसकी वैल्यू में गिरावट हुई है।
इसकी वैल्यू में गिरावट हुई है ना, क्यों हुई है, क्योंकि नया जैसा तो है नहीं, टूट फूट भी कुछ ना कुछ हुई है, कितनी बार इसको मैंने जमीन पे गिरा दिया है, इसकी मेमोरी में मतलब मेमोरी भी इसकी थोड़ी सी लॉस हुई है, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बैटरी भी जो होती है वो बैटरी साइकिल्स भी बहुत कम रह जाती है एंड वॉट नॉट। ठीक है, सो देखो ये जो इसकी वैल्यू के अंदर लॉस हुआ है, ठीक है, वैल्यू में क्या हुआ है, वैल्यू लॉस जो हुआ है इसका, इसी को ही अपन डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ओके, सो आई होप कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको ग्रॉस और नेट भी एक बार समझा देती हूँ। सो कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। देखो अब इसको ना आप ऐसे थोड़ा सा बीइंग अ प्रोड्यूसर इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। अपन क्या करते हैं कि जो भी कैपिटल गुड होता है, सपोज कोई मशीन है अपने पास में, उसको जब अपन रिप्लेस कर देते हैं तो रिप्लेस क्यों कर देते हैं, रिप्लेस हम इसलिए तो करते हैं, यहाँ पे मैंने मेरा फोन रिप्लेस कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू में लॉस आ गया था, यानी कि वो डिप्रिशिएट हो गई थी। तो जब भी प्रोड्यूसर किसी भी कैपिटल गुड को रिप्लेस करता है ना, तो उसको अपन डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। सो कैपिटल गुड यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डिप्रिसिएशन। कैपिटल गुड यूज एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। देखो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब ये तो क्या हो गई बच्चों, जो शुरू में जब मैंने खरीदा था ना, तो ये हो जाती है, ये वाली वैल्यू होती है आपकी ग्रॉस, और ये 10,000 जो है ना बच्चों, ये हो जाती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब नेट वैल्यू। सो नेट वैल्यू के अंदर क्या होता है कि आपकी टूट फूट वगैरह सब आप निकाल चुके हो, यहाँ पे इतना इतनी पहले बड़ी चीज थी, अब उसमें से आपने टूट फूट वगैरह जो भी चीज थी वो आपने सब निकाल दिया, यानी डेप्रिसिएशन आपने साइड कर दिया, अब जो बचा है ना आपके पास में वो आपकी नेट वैल्यू होती है। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट से समझना। अब यहाँ पे आओ, सो कैपिटल गुड्स यूज एज अ नेट एडिशन, ठीक है, टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल। नेट एडिशन यानी कि नया आपने कुछ एड ऑन करा है, नेट एडिशन यानी कि आपने अपने बिजनेस में कुछ नया एड ऑन किया है, इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट, इसी को ही अपन नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक तो क्या होता है कि एक पुरानी मशीन होती है, ठीक है, उस पुरानी मशीन को आप पिछले 10 साल से चला रहे हो, ठीक है, पुरानी मशीन को आपने 10 सालों से चलाया, उसी में ही आप क्या कर रहे हो, उसको ही आप ना रिप्लेस तो नहीं, उसको मतलब आप रिपेयर करवा दे रहे हो, और उसके अगर कुछ कुछ टूट फूट हुई है तो उसको आप चेंज करा रहे हो और उसको चलाए जा रहे हो। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि उसको हटा दिया, उस 10 साल से चलती हुई मशीन को हटा ही दिया आपने, एक नई मशीन लेके आ गए, तो दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट। नई मशीन जब आप लेके आ गए हो तो दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट, और पुरानी मशीन में ही अगर आप कुछ 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 करे जा रहे हो, मतलब अगर खराब हो गई है तो ठीक है उसमें पैसे लगा दिए, उसको सही करा ली, सो दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो पुराना है उसी को आप रिपेयर कर रहे हो, और नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि आप कुछ नया लेके आ रहे हो। ओके, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस में जो पुराना है उसी को ही आप चला रहे हो, पुरानी मशीन को ही आप चला रहे हो, साथ ही में आपने सपोज एक नई मशीन और डाल दी, तो हमेशा ध्यान रखना कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एड ऑन होता है। ठीक है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एड ऑन होता है, क्यों होता है, क्योंकि ग्रॉस के अंदर आप पुरानी मशीन को ही रिपेयर कराए जा रहे हो। ठीक है, तो जो वैल्यू का लॉस हो रहा है उस वो मतलब वैल्यू का लॉस तो हो ही जा रहा है, उसी को ही आप ठीक कराए जा रहे हो, इसलिए डेप्रिसिएशन इसमें एड ऑन होता है, साथ ही में आपने कोई नई मशीन भी लगा ली, तो दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हो। वही नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है बच्चों आपका, इसमें क्या होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि नेट के अंदर एन फॉर नेट एंड एन फॉर नया, ऐसे याद रख लो, नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप सिर्फ नया खरीदते हो, पुराने को बिल्कुल निकाल देते हो। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना जब आप, तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ नया खरीद रहे हो, नई मशीन आप इंस्टॉल कर रहे हो, पुरानी मशीनों को निकाल रहे हो, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है ना, जो टूट फूट है उसको आप बिल्कुल माइनस कर देते हो। ओके, ग्रॉस की जब अपन बात करते हैं तो ग्रॉस के अंदर वापस से मैं रिपीट करवा देती हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पुरानी मशीन है उसको भी आप रिपेयर कर रहे हो और साथ में आपने नई भी इंस्टॉल कर दी, तो दोनों मशीनें चल रही हैं। ठीक है, पुरानी मशीन जो है आपकी उसकी वैल्यू में लॉस हो रहा है, इसलिए अपन इसको इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको भी अपन एड ऑन करते हैं, और नई मशीन भी अपन ने लगा ली। ठीक है, सो ग्रॉस यानी कि सब साथ लेके चल रहा है, ग्रॉस पुराना भी साथ लिए चल रहा है और नया भी साथ साथ में लिए चल रहा है, और नेट में पुराना तो भाई हटा दो बिल्कुल, और सिर्फ नई चीजों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट, सो आई होप कि अब आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेजेस ऑफ न्यू एसेट। देखो यहाँ पे अपन ग्रॉस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किस पे खर्चा कर रहा है, प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ
न्यू एसेट, नए एसेट खरीद रहा है साथ ही में एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट, यानी कि नया खरीद रहा है यहाँ पे साथ ही में जो पुराना है उसके अंदर भी वो क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है, रिपेयर कर रहा है उसको, मतलब पुराने को भी साथ में लिए चल रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो यहाँ पे न्यू प्लस ओल्ड दोनों होते हैं। वही नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट ओनली। यहाँ पे प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ नए असेट पे ही खर्चा करता है, ठीक है। सो एन फॉर नेट एंड एन फॉर न्यू ओनली, क्लियर। चलिए मोर स्पेसिफिकली, इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट, यानी कि प्रोड्यूसर यहाँ पे जो भी मशीन लगी हुई है उसको रिपेयर करने में खर्चा नहीं लगाता वो, या उसको रिप्लेस करने में खर्चा नहीं लगाता, सीधे नया खरीदता है। हाँ, ग्रॉस में वो नया भी खरीदता है, पुराने को भी साथ लिए चलता है, ठीक है। तो यानी कि पुराना साथ जा रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन इसके अंदर एड होता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नया है इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ओके। चलो, इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओके। यहाँ पे रिप्लेस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है, यहाँ पे इंक्लूड जो आपका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब यहाँ पे ना किसी भी तरीके का नया जो एडिशन है स्टॉक के अंदर वो शो नहीं होता है यहाँ पे, नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे आप नया खरीद रहे हो तो यहाँ पे तो स्टॉक में नया आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको नया नहीं दिखता। आप नया तो खरीद तो ठीक है, लेकिन पुराने को भी साथ लिए चलते हो, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। सो फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर यूज, सो दे गो डाउन इन वैल्यू ओइंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स आप यूज कर रहे हो उनकी वैल्यू में गिरावट होती है। अब वैल्यू में गिरावट कैसे हो सकती है, जैसे नॉर्मल टेयर, वियर एंड टेयर हो गया, नॉर्मल कोई टूट फूट हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, या फिर व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट। देखो ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, आउटडेटेड, पुरानी कोई टेक्नोलॉजी है जो कि पुरानी हो गई, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी, हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कब कर पाएगा बच्चों, जब वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा, है ना। मार्केट में जो नया चल रहा है जब वो उसे एक्सेप्ट करेगा तब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा और मार्केट में वो स्टैंड कर पाएगा, ठीक है। सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, या फिर कोई जो प्रोड्यूसर है वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके जो भी आउटपुट होता है उसकी वैल्यू में लॉस हो जाता है और वो डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट हो जाती है, ठीक है। सो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन के अंदर, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं है ये, इसको अपन बोलते हैं ऑब्सोलीट, ओके। सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट या फिर आउटडेटेड, ओके। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है बच्चों, एक्सपेक्टेड मतलब कि आपको पता है कि कुछ टाइम बाद में ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। सो विच द प्रोड्यूसर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट टू हैपन, प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट करता है कि हाँ भाई 5 साल बाद में ये वाली जो मशीन है वो पुरानी हो जाएगी तो हमें नया में खर्चा करना होगा। सो डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन एन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है बच्चों, ये क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो ये आपके एक के बाद में जो दो दो तीन तीन नाम होते हैं ना किसी भी चीज के, उसको हमेशा ध्यान रखना, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करते रहना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपको एग्जाम में डेप्रिसिएशन ही पूछ ले, आपको ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी पूछ सकता है। और अगर आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से पूछ ले ना तो आपकी सिट्टी बिट्टी गुल ना हो जाए, इसलिए आपको इस चीज को नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर दूसरे तरीके का जो आपका ऑब्सोलेसेंस होता है वो होता है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सपोज बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाएगी, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, या फिर आपकी फैक्ट्री जल गई, आपकी फर्म जल गई, तो जो भी मशीन लगी हुई थी वो क्या हो गई, वो नष्ट हो गई, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, जो कि आपने सोचा हुआ ना हो। सो नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड फायर, फॉल, या फिर दूसरा पॉइंट क्या है, फॉल इन दी मार्केट, मार्केट में गिरावट होगी। जैसे कोविड के टाइम पे क्या होता कि बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने नई मशीन्स इंस्टॉल करी थी, सोचा था कि हम तो इस बार देखो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, कितना प्रोड्यूस करते हैं, हमारी सेल ये होगी वो होगा, लेकिन हो गया क्या, कोविड हो गया, सब ठप हो गया, लोगों ने प्रोडक्ट्स मतलब खरीदना ही बंद कर दिए, बहुत ही कम मार्केट उस टाइम पे चला था, तो उस क्या वो एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी नहीं था, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ही डाउन चला गया था। सो फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन, जब इकोनॉमिक रिसेशन हो जाता है तो मार्केट बिल्कुल डाउन चला जाता है, और उस टाइम पे भी वो जो सिचुएशन होती है वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में काउंट होती है।
ओके, सो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज कैपिटल लॉस. ठीक है, देखो जब अपन यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की बात करते हैं और उसमें जब लॉस ऑफ वैल्यू होता है तो उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं. लेकिन जब अपन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की बात करते हैं और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में जब वैल्यू का लॉस होता है तो उसे अपन कैपिटल लॉस के नाम से जानते हैं. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. दीज लॉसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. अब ये जो कैपिटल लॉस होता है ना, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है और ना ही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का ये पार्ट है. अब देखो यहाँ पे ना ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ. जब भी प्रोड्यूसर को कुछ भी अपने जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट में उसको कुछ ना कुछ चेंज करना है, कोई नई मशीन लगानी है, पुरानी को ठीक कराना है, तो वो क्या करता है, अपना एक फंड तैयार रखता है. ठीक है, उस फंड में से वो पैसे निकालता है और वो काम कर लेता है. कुछ नया खरीदा है, उस फंड में से पैसे निकालो, उसने नई मशीन खरीद ली. एक मशीन लगी हुई है 10 साल से, वो टूट गई है, उसमें कुछ रिपेयर मांग रही है वो, तो उसमें से उस फंड में से पैसे निकाले, उसको रिपेयर करा लिए. तो दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैपिटल लॉस. और यहाँ पे अपन ने किस बारे में बात करी थी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन अकर कब होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में, और कैपिटल लॉस कब एक्सपेक्ट मतलब कब होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में. ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जो बातें थी, इन्वेस्टमेंट क्या था, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है. सो आई होप कि बच्चों आपको आज के इस वीडियो के बाद में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितने तरीके का होता है और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. कहीं पे कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.